बाहर चल, चोर कहीं के। चोरी करवाता बाप बेटो से मैं। चल बेटा इसे छोड़ दो। बेटा ऐसे कैसे छोड़ दूं, चोर है ऊपर से इसको छोड़ भी दूं है। नहीं नहीं मैडम, मैंने कोई चोरी नहीं की है, आप गलत समझ रहे हो। हाँ तो किसने चुराए पैसे, फिर हवा में फुर हो गए हमारे पैसे। जल्दी। हाँ बोल बेटा, ये सच कह रहा है, इसने चोरी नहीं की होगी। तू तो बोलेगा ही बोलेगा, सच बोल रहा है तू। बाप जो बैठा है इस बच्चे का, मुझे तो तू भी चोर लग रहा है। मेरे को तो पता क्या लग रहा है कि इसके बाप ने इसको सिखा के भेजा होगा कि बेटा जा उस रेस्टोरेंट में जाकर के ना चोरी कर लियो, क्योंकि यहाँ पे बहुत रईस लोग आते हैं। और इसका बाप देख, ये तो पहले से ही शक्ल से चोर नजर आता है, और ये तो चोर होगा ही ना। फिर जब बाप ऐसा तो बेटा भी ऐसा ही होगा। सही कह रही हो मैम, मेरे को भी ना ये दोनों ही चोर लग रहे हैं। इसकी शक्ल देखो साले की, ये इसको मैंने आज से पहले तो यहाँ पे नहीं देखा कभी। अरे अरे आप मेरे पिताजी को चोर मत बोलिए, और मैंने कोई चोरी नहीं की है। इतने महीनों से मैं आपके यहाँ काम करता हूँ, फिर आप तो मुझे जानते हैं, फिर भी आप मुझे चोर बोल रहे हैं। इतने महीनों से यहाँ पे काम कर रहे हैं ना तू, और तूने आज चोरी इसलिए करी क्योंकि इतने महीनों से ना तेरा पेट नहीं भरा यहाँ पे काम कर करके। और मैडम मेरे को तो लग रहा है इसको ताक नहीं मिल रही थी इतने दिनों से, आज ताक मिल गई तो मोटा गल्ला उठा लिया। हाँ मौका ढूंढ रहा था चोरी करने का, मन तो करो इसका थप्पड़ मार दो। ओए बुड्ढे, और तू तो यहाँ से निकल जा आज के बाद, दिख मत जेब मेरे को, ठीक है। और तू ओए बुड्ढे इधर देख, लेके चला दे इसे यहाँ से। नहीं नहीं आप गलत समझ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने नहीं की है चोरी। चले जाओ नहीं तो पुलिस में कंप्लेंट कर देंगे ना, तो पूरी जिंदगी जेल के पीछे निकालोगे तुम लोग। रुक जाओ मैडम, ये ऐसे नहीं जाने वाले। चल बैठ इधर, वहां तूने सबके सामने मेरी बेइज्जती करा दी। देख रहा था ना वहां, सभी मोहल्ले वाले घूर घूर कर देख रहे थे कि ये हुकम सिंह का बेटा चोर है। तूने मेरी सारी इज्जत मिट्टी में मिला दी, मैंने कितनी मुश्किल से अपनी इज्जत कमाई थी, और तुझे 2 मिनट नहीं लगे वहां इज्जत गंवाने में। अरे पिताजी आप मेरी बात समझो, मैंने कोई चोरी नहीं की। अरे आप तो मेरे पिता हो, आपको खुद सोचना चाहिए और अपने बेटे का साथ देना चाहिए, लेकिन नहीं आप तो उल्टा ही मुझे सुना रहे हो। कैसा विश्वास, वो सारा स्टाफ झूठ बोल रहा था क्या? मुझे शर्म आती है तुझे अपना बेटा कहने में। पिताजी आप मेरी बात नहीं समझ रहे हो, उस मैनेजर से मेरी पहले ही लड़ाई हो रखी थी, इसीलिए उसने मुझे जानबूझ के फंसाया है, और उसने जानबूझ कर मुझे निकालने की कोशिश की, और आज वो कामयाब हो गया और आप भी उसकी बातों में आ गए। तू मुझे एक आंख नहीं समाता हर्षित, इससे पहले मैं कुछ कर बैठूं तू यहां से निकल जा। अरे मुझे भी नहीं रहना इस घर में, एक बाप जब अपने बेटे पर विश्वास नहीं कर सकता, इस घर में रहकर मैं क्या करूंगा, और आज के बाद कभी इस घर में मैं पैर नहीं रखूंगा, समझे? ठीक है। अरे छोटे तू कौन है, यहाँ पे बैठा रो क्यों रहा है? क्या बताऊं भैया, मेरे साथ इधर कुछ ऐसी आप बीती हो गई कि मैं आपको बता भी नहीं सकता। अरे बता क्या हुआ, पूरी बात बता मुझे। आपको पता है मैं एक रेस्टोरेंट में काम करता था, और वहाँ मुझे फंसाया गया, मेरे ऊपर चोरी का इल्जाम लगाया गया, और मेरे पिताजी ने भी मेरा साथ नहीं दिया। इसी चक्कर में पिताजी ने मुझे घर से भगाया, और मैं भी घर छोड़कर इधर उधर भटक रहा हूँ। अब इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। अरे ऐसी बात मत कर यार। अच्छा एक बात बता, तू रेस्टोरेंट में नौकरी करता था, घर का खाना वाना बनाना साफ सफाई तो आती होगी तुझे? हाँ भैया ये सब तो मुझे आता है, लेकिन मुझे काम कौन देगा? अरे तू चिंता मत कर, मेरे को जरूरत है ऐसे एक लड़के की जो खाना बनाना जानता हो और साफ सफाई करता हो। क्या है ना कि मैं अकेला रहता हूँ यहाँ पर, मेरा कोई है नहीं साथ में रहने वाला, तो तू एक काम कर, तू मेरे साथ मेरे घर चल, वहीं पे रहियो, घर बार देखियो, ठीक है ना? और जब मैं आया करूँ ना तो मुझे खाना बना के दीदा करियो और सुबह नाश्ता दीदा करियो,
तेरे को कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और कितनी सैलरी मिलती थी तेरे को यहाँ पर? भैया यहाँ तो मुझे 15,000 रुपये मिलता था। तो ठीक है, मैं देखो 15,000 रुपये सैलरी दूंगा, ठीक है? ठीक है भैया, चल आ जा मेरे साथ आ जा। आजा अंदर आजा बैठ। देख ये है मेरा घर और इस घर में मैं अकेला रहता हूँ। अब से तू यहीं पे रहियो और क्या नाम है, किचन ना वहां पर है तो किचन में जाके काम कर लियो, साफ सफाई देखनी और खाने का देखना है। मैं रात को ऑफिस से आता हूँ और बहुत बार ऑफिस में इतना बिजी होता हूँ काम को लेकर कि आ भी नहीं पाता हूँ, तो किसी चीज की टेंशन नहीं लेनी तुझे, ठीक है ना? ठीक है भैया। पता नहीं, मैं चल इससे बाद में बात करता हूँ, और कुछ पूछना तो पूछ ले तू मुझसे। नहीं भैया, बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका। चल ठीक है, तू एक काम कर, ये कमरा तेरा होगा, तू वहाँ पे जाके आराम कर ले अभी, ठीक है? ठीक। और फिर बाद में जब तेरे को रेस्ट हो जाए ना, मिल जाए, तो तू फिर काम देख लियो एक बार अच्छे से। ठीक है भैया। और कुछ भी पूछना मेरे से पूछ लियो। ठीक है भैया, चल जा आराम कर। अरे हर्षित। जी भैया। अरे मैंने तेरे को बताया था ना, आज मेरे फ्रेंड आने हैं, कुछ तो खाना ज्यादा बना के रखती है। हाँ भैया, मैंने ऑलरेडी सब खाना बना दिया है। चल ठीक है, मैं थोड़ा काम कर लेता हूँ, वो आने वाले होंगे। ठीक है भैया। हाय। हेलो, कैसे हो? बढ़िया, तू सुना कैसी है? हाय। और बढ़िया। हाँ, कोई तकलीफ तो नहीं आने में? अरे नहीं नहीं यार, क्या तकलीफ हो गया मैं आने में? पहली बार थोड़ी आ रहे। भैया मैंने कोई चोरी नहीं की है। और हाँ भैया, ये लोग वही हैं जिनके रेस्टोरेंट में मैं काम करता था, इन्होंने ही मुझे चोर बोला था, इन्होंने मेरे पर चोरी का इल्जाम लगा दिया था, जिसकी वजह से मेरी और पापा की लड़ाई हो गई और मैं घर छोड़कर बाहर चला गया था। पर भैया मैंने कोई चोरी नहीं की है, आप मेरी बात का यकीन करो, कसम से भैया मैंने कोई चोरी नहीं की है। अरे धर्मेंद्र रिंकी ये सही बोल रहा है, इस बेचारे ने चोरी नहीं करी होगी। पता है पिछले 3 महीने से ये बेचारा मेरे साथ ही रह रहा है, रो रहा था रोड पे, तो मैं इसको यहाँ लेके आया था। और पता है 3 महीने में इसने 1 भी रुपया चोरी नहीं किया। मेरे पैसे ऐसे पड़े रहते हैं और लॉकर ऐसे खुला रहता है, उसके अंदर ज्वेलरी पड़ी रहती है, अगर ये चोर होता तो चोरी ना करता क्या? अरे नहीं। अरे हाँ भाई, मैं भी वही कह रहा हूँ, इसने कोई चोरी नहीं करी। मैं भी तो वही कहना चाहता हूँ, उस दिन जो 5,000 की हेर फेर हुई थी वो हर्षित ने नहीं करा था, वो बाद में हमें मिल गए थे। हाँ विनय, में क्या हुआ, इसने न्यू ज्वाइन किया था और 5,000 का हमारा कुछ घपला हो गया, तो हमें लगा कि इसने किया होगा, लेकिन वो बात बाद में क्लियर हो गई थी और हमने इसके घर जा करके इसके पापा से भी बात करी, लेकिन इसके पापा ने बताया कि ये घर छोड़ के चला गया और हमने इसको बहुत ढूंढने की कोशिश करी। इनफैक्ट इसके पापा तो हद से ज्यादा परेशान रहते हैं और कितना ढूंढ रहे थे इसे। सही कह रही है रिंकी यार, और मुझे नहीं पता था कि हमारी एक छोटी सी गलती से इसका घर भी उजड़ सकता है। हर्षित सॉरी यार, उस दिन बहुत बहुत बड़ी गलती हो गई थी हमसे। क्यों रिंकी? हाँ हर्षित देख, लेकिन तुझे ना ऐसे घर नहीं छोड़ना चाहिए था। और हाँ, हम मानते हैं कि हमारी गलती है, हमने बिना कुछ सोचे समझे तेरे ऊपर चोरी का इल्जाम लगा दिया। ये सारा डिनर विनर करके ना हम हर्षित के घर चलेंगे और इसको इसके पापा के पास ले चलेंगे। तेरे पापा हद से ज्यादा परेशान है, तेरे को कम से कम अपने पापा के बारे में तो सोचना चाहिए था ना। और हाँ, वापस ज्वाइन कर लियो हमारे रेस्टोरेंट में, अगर हमें माफ कर दिया होगा तो। सॉरी भैया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन मैं क्या करता, मेरे पास कोई और चारा नहीं था, इसीलिए मैंने घर छोड़ दिया। पर मुझे अपनी गलती का अब एहसास हो गया है, मैं आप लोगों से भी माफी मांगता हूँ और घर जाकर मैं पिताजी से भी माफी मांग लूंगा। ये तो अच्छी बात है कि मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई और हर्षित ने चोरी नहीं करी थी। और हर्षित मैं भी तुझे कहूंगा कि छोटी छोटी बातों पे भाई घर नहीं छोड़ा करते, और माँ बाप का तो काम ही है कि वो हमारे भले के लिए हमको डांट देते हैं, लेकिन उसके चलते हमारे को ईगो में आकर एकदम से घर नहीं छोड़ देना चाहिए। और बस अब खाना खाने के बाद में ना पहले इसको इसके घर लेके जाएंगे। हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, चल बैठ जाओ यार। ठीक है भैया, मैं भी खाना। तो दोस्तों
इस वीडियो के अंदर हमने यही बताने की कोशिश किया कि छोटी छोटी बातों के ऊपर घर नहीं छोड़ना चाहिए। अक्सर ऐसा होता है कि माँ बाप हमारी गलती के ऊपर हमारे को डांट देते हैं और हमारे अंदर ईगो आ जाती है और हम छोटी छोटी बातों पे माँ बाप से बहस करते हैं, घर छोड़ने की बात करने ले जाते हैं और घर छोड़ भी देते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, हमारे को थोड़े से पेशेंस अपने अंदर डेवलप करने चाहिए और हमारा जो मोटिव वही यही है कि हम पॉजिटिव मैसेज समाज में फैलाएं और हमारी वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारी स्ट्रेंथ आप लोगों की शेयरिंग है और मिलते अगले वीडियो, तब तक बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, फॉलो जरूर करना।